अंबाला छावनी रेलवे यार्ड में देर रात्रि रेलकर्मी की रेल इंजन को शटिंग करवाते हुए ट्रेन के बीच में फंसने से मौत हो गई है। मृतक शंकर के गुस्साए परिजनों ने रेल प्रशासन व साथी कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने रेलवे अस्पताल में इंजन के ड्राइवर व साथी कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने को लेकर हंगामा किया, जिस कारण रेल प्रशासन को भारी पुलिस बल मौके पर बुलानी पड़ी। रेलवे पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए साथी कर्मचारियों व रेल इंजन के ड्राइवर पर मामला दर्ज किया है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रेलवे अस्पताल में सिविल अस्पताल लाया गया है। आजाद टीवी न्यूज के लिए अंबाला से रिपोर्ट। कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। जो बंदे ड्यूटी पे थे उसके साथ वो बंदे रात से ही गायब है, उनको छोड़ के भाग गए। फोन मिला रहे हैं, पुलिस वाले भी मिला रहे हैं, वो आ नहीं रहे बंदे ना। और अफसर उनके बोल रहे हैं कि ऐसा बोल देना कि पैर फिसल गया और पूरा बेनिफिट दिलवाएंगे आपको। हमें बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंक्वायरी। शंकर और जिले सिंह जो संटिंग मास्टर है उसका उसके साथ था, वो इंजन लेके गए थे संटिंगनग। गुड्डे से इंजन गया था संटिंगनग के लिए, आरे उठाने थे हमने, आरे उठा के 4609 में लगाने थे। तो जो है कि दो इंजन थे हमारे, एक इंजन जाता उसको उठा के लाता, दूसरा इंजन उसको पीछे से पकड़ता, इसलिए दो इंजन संटिंगनग में थे। तो ये रेलवे क्रम अपॉइंटमेंट है जो सेंटिंग के दौरान यार्ड सेंटिंग में सेंटिंग करते वक्त ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है। इसके संबंध में जैसे ये हमें दरख्वास्त मूव करेंगे, हम अपनी प्रोसीडिंग अडॉप्ट करेंगे। अभी पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उस बेस पे भी कर देंगे, एज वेल एज इनकी कंप्लेंट पे भी हम कार्रवाई करेंगे। इनका कहना सर कुछ जो लोग इनके साथ थे वो फरार है, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ। उनका फरार का संबंध तो तब है जब उनके केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद हम फरार मानेंगे। वो है कि नहीं है हम उनको कॉल करेंगे, बुलाएंगे।